जैसे सीखा। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि हम बिना पार्लर गए घर पर ही में पार्टी के लिए कैसे रेडी हो सकते हैं। तो अगर उसके पहले मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी हिट कर दीजिएगा। और अगर मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किए तो स्क्रीन पर आईडी दिख रहा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम वीडियो की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने फेस पर रोज वाटर स्प्रे कर रही हूँ और कॉटन पैड की मदद से अच्छे से इसे क्लीन करूंगी। इससे हमारे जो पोर्स है वो मिनिमाइज हो जाते हैं और हमारे स्किन को अच्छे से क्लीन कर देता है, साथ में जो डर्टी इम्प्योरिटीज होती है वो भी इससे क्लीन हो जाती है। आती है प्राइमर की, तो प्राइमर के लिए मैं यूज कर रही हूँ कलर बार का प्राइमर। बहुत ही अच्छा प्राइमर है, अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। और अपने पूरे टी जोन एरिया पर अच्छे से इसे अप्लाई करूंगी। तो प्राइमर को हमें कभी भी मेकअप के पहले स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूँ लैक्मे का फाउंडेशन। तो मेरा जो सेड है वो है नेचुरल मार्बल, एंड काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है, नेचुरल फिनिश लुक देता है। और आप देख सकते हैं मेरी बॉटल जो है ऑलमोस्ट खाली हो चुकी है। तो थोड़ी सी क्वांटिटी में इसे पिक करके और एक ब्रश की मदद से मैं पूरे फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप अपने हाथों से भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। और ये वाला जो फाउंडेशन है ये आपको हर किसी के घर में इजीली मिल जाता है, बहुत ही पुराना ब्रांड है और बहुत सारे लोग इसे यूज भी करते हैं। तो आज मैं सोची कि इसी फाउंडेशन से मैं आप लोगों को इस लुक को क्रिएट करके दिखाती हूँ, क्योंकि मैं बहुत जल्दी में थी, मुझे जो सामने में मिला जो भी प्रोडक्ट मैं उसी से जल्दी जल्दी मेकअप कर रही हूँ। और फेस के साथ साथ अपने नेक एंड अपने ईयर्स पर भी ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, नहीं तो फिर हमारा जो स्किन टोन है वो थोड़ा डिफरेंट सा लगेगा। और एक ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से इसे जल्दी जल्दी मैं ब्लेंड कर रही हूँ। और ब्यूटी ब्लेंडर जब भी यूज कीजिए पानी में इसे थोड़ा सा डीप कर दीजिए, उसके बाद पानी इसका निकाल कर गीले ब्यूटी ब्लेंडर से हमें इसे अच्छे से ब्लेंड करना है। तो फाउंडेशन जो ब्लेंड करेंगे तो ब्लेंडिंग पे हमें अच्छे से फोकस करना है, नहीं तो हमारा जो फाउंडेशन है बाद में केकी सा हो जाता है। और यहाँ पे मैं कोई कंसीलर अप्लाई नहीं कर रही हूँ, इसलिए मैं सेम फाउंडेशन को एज ए कंसीलर अप्लाई करूँगी। तो इससे जो हमारा डार्क सर्कल है वो भी छुप जाएगा और हमारे स्किन को ब्राइटन अप करेगा। तो इसे भी मैं ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से अच्छे से ब्लेंड करूंगी। नेक्स्ट बारी आती है अपने बेस को सेट करने की। तो यहाँ पे मैं बेबी पाउडर यूज कर रही हूँ, आप कोई सा भी लूज पाउडर लेकर अच्छे से सेट कर सकते हैं। मेकअप में जो फाउंडेशन के बाद जो ये वाली बारी आती है, ये प्रोसेस कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारा जो फाउंडेशन है बाद में क्रीज कर जाता है या फिर केकी सा हो जाता है। तो जो एक्स्ट्रा है उसे मैं एक ब्रश की मदद से जो एक्स्ट्रा फॉल आउट हो रहा है उसे क्लीन कर लूंगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पर मैबलिन का कॉम्पैक्ट पाउडर ले रही हूँ और अपने पूरे फेस पे एक बार और अच्छे से इसे ब्लेंड कर रही हूँ। उसके बाद बारी आती है आईब्रो फिल करने की। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ मिस क्लियर का ब्राउन सेड और थोड़े थोड़े स्ट्रोक में इसे अच्छे से लेते हुए फिल करना है। तो अपने शेप पर ही मैं इसे अच्छे से फिल कर रही हूँ, एक्स्ट्रा इधर उधर हमें नहीं लेके जाना है। और इसके बाद जो पीछे में ब्रश देता है उसे अच्छे से अपने आईब्रोज को सेट करूँगी। उसके बाद मैं लेऊँगी अपना हिलेरी ऑड आई शेडो पैलेट, उसमें से एक ब्राउन मैट सेट लेकर सेड लेकर के अच्छे से अपने आई पर क्रीज एरिया पर अप्लाई करूँगी। तो इसे मैं एज ए ट्रांजिशन सेड यूज कर रही हूँ और हमें थोड़े थोड़ा कलर पिक करते हुए अच्छे से ब्लेंड करना है, ब्लेंडिंग पे अच्छे से फोकस करना है। उसके बाद मैं एक थोड़ा सा उससे एक डार्क सेड पिक करके जो मैंने क्रीज एरिया अप्लाई किया है उससे जस्ट नीचे अप्लाई करूंगी। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमें अप्लाई करना है।
एंड इसे मैं तब तक ब्लेंड कर रही हूँ जब तक मेरा डिजायर कलर मुझे मिल नहीं जाता है। तो इसे अच्छे से ब्लेंड करना है। उसके बाद यहाँ पर मैं वेयर करने वाली हूँ ब्लू कलर की साड़ी, तो मैं उसके हिसाब से आई मेकअप कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पर ब्लू कलर का एक मैट सेट चूज कर रही हूँ और इसे एक फ्लैट ब्रश की मदद से अपने लीड एरिया पे अप्लाई कर रही हूँ। तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी मैं इसे पिक करके अप्लाई करूँगी ताकि जो मेरा आई शेडो है वो इधर उधर फैल ना जाए। उसके बाद इसे अच्छे से ब्लेंड करना है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं अपने फिंगर पे रोज वाटर स्प्रे करके उसके बाद फिंगर की मदद से मैं कलर पिक कर रही हूँ ताकि जो मेरा कलर है वो एग्जैक्ट आ सके, क्योंकि ब्रश की मदद से कलर जो है वो कम पिक हो रहा था। उसके बाद सबको मैं सेम स्टार्टिंग के जो ट्रांजिशन सेट थे उसी से मैं सबको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ ताकि कोई भी हार्श लाइन ना दिखाई दे। एंड अपने आउट ऑफ वे पे अच्छे से फोकस करते हुए इसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी। उसके बाद बारी आती है आईलाइनर की, तो मैं एक पतला सा आईलाइनर ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ पर मैं कोई भी मोटा विंग आईलाइनर ड्रॉ नहीं करूँगी, पतला सा आईलाइनर ड्रॉ कर रही हूँ। तो उसके लिए मैं ली हूँ लैक्मे का आईलाइनर। तो यहाँ पर जो भी ये मेकअप लुक जो मैं कर रही हूँ या मेरे पास जो मेकअप प्रोडक्ट है मैंने उससे यूज किया। आपके पास जो भी मेकअप प्रोडक्ट है आप उससे ये लुक को क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लुक क्रिएट होता है। तो थोड़े थोड़े स्ट्रोक में इसे अच्छे से अप्लाई करना है हमें। नेक्स्ट मैं यहाँ पर ADS का कॉन्टोर पैलेट ले रही हूँ और अपने चीक, अपने जॉ लाइन पर एंड अपने फोरहेड को थोड़ा सा कॉन्टोर कर रही हूँ। इससे जो मेरा फेस है वो अच्छे से डिफाइन होगा और शार्प लुक देगा। एंड उसके साथ साथ मैं अपने नोज एरिया को भी थोड़ा सा स्लिम लुक दिखाने के लिए मैं यहाँ पे अपने नोज को भी कॉन्टोर कर रही हूँ और फोरहेड एरिया पे भी थोड़ा सा अप्लाई कर रही हूँ। एंड सेम ब्यूटी ब्लेंडर से फिर इसे अच्छे से ब्लेंड करना है। तो इसे हम डैब डैब करते हुए ही ब्लेंड करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर मैं ले रही हूँ मास्टर का ब्लश कॉम्बो पैक है। इसमें आपको तीन ब्लश और एक हाइलाइटर मिलता है। तो उसमें से मैं एक पीच शेड पिक करके अप्लाई कर रही हूँ स्माइल करते हुए ब्लश को। एंड उसी में जो हाइलाइटर दिया है उससे मैं अपने नोज एंड अपने चिक वगैरह को हाईलाइट करूँगी। एंड मुझे थोड़ा सा हाइलाइटर और चाहिए था क्योंकि मैं किसी पार्टी के लिए रेडी हो रही हूँ, तो इसलिए मैंने अपने नोज को और अच्छे से हाईलाइट किया है। एंड यहाँ पे मैं दो लिप शेड का ऑप्शन रखी हूँ क्योंकि ब्लू कलर के साड़ी के साथ ये दोनों लिपस्टिक बहुत ही ज़्यादा चलता है। तो लेकिन मैं यहाँ पे मेरे पास उतना टाइम नहीं था इसलिए मैं रेड कलर ही अप्लाई कर ली। तो ये जो लिपस्टिक है ये है किस ब्यूटी का लिपस्टिक, बहुत ही अच्छा एंड लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक है, बहुत ही अफोर्डेबल भी है। तो इसका ऑलरेडी मैं रिव्यू कर चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं दे दूँगी। एंड जो मैं आई शेडो यूज की हूँ वो भी पैलेट का मैंने रिव्यू किया हुआ है, तो आपको मेरे चैनल पर ये दोनों का रिव्यू मिल जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर अपने आईलेसेस को कर्ल करूँगी। तो मैं पहले सोची थी कि मैं कोई भी फॉल्स आईलेसेस यूज नहीं करूँगी, बट बाद में मुझे लगा कि मुझे अप्लाई करना है क्योंकि इससे और भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक क्रिएट होता है फॉल्स आईलेसेस को अप्लाई करने के बाद। तो यहाँ पे मैं बहुत हैवी आईलेसेस यूज नहीं कर रही हूँ। तो इसको ग्लू गन लगाना है, उसके बाद 10 से 12 सेकेंड के लिए ऐसे छोड़ना है, उसके बाद हम कुछ इस तरह से अप्लाई करेंगे। एंड अप्लाई करने के बाद आप आईज देख सकते कितना ज़्यादा अच्छा दिखता है। तो इसी तरह से हम दूसरे आईज पे भी इसे अप्लाई कर लेंगे। उसके बाद इसे सेट करने के लिए आप कोई भी ब्रश या किसी भी चीज़ का यूज करके अच्छे से प्रेस कर सकते हैं, इससे हमारा जो आईलेसेस है वो बहुत अच्छे से सेट हो जाता है।
तो आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं लैक्मे का मस्करा ले रही हूँ, उसके बाद मैं अच्छे से इसे अप्लाई करूँगी। एंड अब बारी आती है काजल की, तो काजल को मैं 1/3 पार्ट पर ही अप्लाई करूंगी। पूरे आईज में हमें अप्लाई नहीं करना है, 1/3 एरिया पे अप्लाई कर रही हूँ। एंड जो ट्रांजिशन शेड मैंने यूज किया था उससे ही अपने लोअर लेस के नीचे अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद जो मैं अपने आई लीड पर अप्लाई करी थी जिस आई शेडो को, उसे ही अपने आई कॉर्नर पर अप्लाई करूंगी। तो आप देख सकते हैं मेरी आईज जो है वो कितनी बड़ी बड़ी सी लग रही है। अब बारी आती है हेयर स्टाइल की, तो कुछ इस तरह से हेयर स्टाइल मैं करी हूँ। एंड गाइज, अगर आपका भी फेस थोड़ा सा बड़ा है तो आप ये वाला हेयर स्टाइल ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इससे जो आपका फेस का लुक है वो इस तरह के हेयर स्टाइल करने के बाद थोड़ा सा छोटा लुक लगे होगा। तो ये वाला हेयर स्टाइल आप अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैं बहुत जल्दी जल्दी बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं है। एंड फर्स्ट टाइम मैंने आपके साथ गेट रेडी विथ मीस वीडियो शूट किया है। एंड इस तरह से बनाते हुए एक बॉबी पिन की मदद से सिक्योर कर दूंगी। एंड गाइज, वीडियो देखते देखते अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप चाहे तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरे इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो जब तक मैं हेयर स्टाइल बना रही हूँ तब तक मैं कर्लिंग मशीन को हीट करने के लिए रख दूंगी। एंड सेम प्रोसेस से मैं अपने दूसरे साइड के बाल को भी स्टाइल करूंगी। एंड गाइज, अगर आप और भी कोई मेकअप लुक देखना चाहते हैं तो वो भी मुझे आप नीचे कमेंट्स करके बता सकते हैं, या फिर आप उनका कोई सवाल है तो वो भी मुझे नीचे आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो अब बारी आती है बाल को थोड़ा सा कर्ल करने की, तो मैं जल्दी जल्दी अपने बालों को आगे से कर्ल कर रही हूँ क्योंकि ये वाला जो लुक होता है ये बहुत ज़्यादा पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता है। और आप देख सकते हैं कितना ईजी वे में हम घर पर ही बिना पार्लर गए हुए कितने अच्छे से रेडी हो सकते हैं। और आप देख सकते हैं बाल को कर्ल करने के बाद कितना अच्छा सा लुक दे रहा है। तो दोनों साइड कुछ इस तरह से हम कर्ल कर लेंगे, और बहुत ही अच्छा हेयर स्टाइल है गाइज। एंड मैं ये लुक क्रिएट करके अपने किसी फैमिली फंक्शन में गई थी तो मुझे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट मिला था। और आप देख सकते हैं, और ये वाला इयरिंग्स मैंने सरोजनी नगर में परचेज किए हैं। सो गाइज, ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कैसा लगा मेरा ये वीडियो तो मुझे नीचे कॉमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।